बिल्कुल दिल्ली में आना चाहिए पढ़ने के लिए, और पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। गांव की जो भी लड़कियां हैं, अगर वो पढ़ना चाहती हैं, अगर वो कुछ करना चाहती हैं या यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहती हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। सीआरटी में ज्योग्राफी का 9, 10, 11, 12 पढ़ी हूँ, और हिस्ट्री का 11, 12 का पढ़ी हूँ, और पॉलिटी का भी पढ़ी हूँ 11 मेरा का। शुरू से ही सपना था कि मैं कुछ करूँ अपनी लाइफ में। यूपीएससी का तो प्रिपरेशन करना शुरू से ही सपना था, बचपन से ही। तो शादी होने के बाद भी मैं अपना पढ़ाई जारी और रखी। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स व्यू में। जैसा कि आज हम मुखर्जी नगर में और हमारे साथ मैम है, मैम के बारे में जानेंगे कि उन्होंने यहाँ पर रह के अपनी प्रिपरेशन कैसे की है। तो मैम, आपका नाम और आप कहाँ से हो वो हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनको बताइएगा। मैं यूपी में बलिया से हूँ, और मेरा नाम नीलू है, और मेरी स्कूलिंग भी वहीं से हुई है, गांव से। और ग्रेजुएशन मेरा इकोनॉमिक्स और हिंदी और जियोग्राफी से हुई है, और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया है बलिया से, टीडी कॉलेज से। तो अभी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किए? मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन साल भर पहले से स्टार्ट की हूँ। तो कहीं कोचिंग वगैरह से या सेल्फ स्टडी? मैं कोचिंग से ये स्टार्ट की हूँ, कैरियर विलैप से ऑनलाइन कोचिंग देती हूँ। तो वहीं तो से मैं ऑनलाइन कोचिंग कैसे लेते हैं, थोड़ा उसका प्रोसेस हमको बताएंगी? मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके, और लाइव क्लास का टाइमिंग दिया रहता है, उस टाइम पे लाइव ले सकते हैं, या फिर रिकॉर्डेड वीडियो रहता है तो उससे भी ले अच्छा, तो सकते इसकी हैं। कोई फीस वगैरह भी होती है? यस हाँ, करियर विल पे मेरा 13,000 फीस जमा हुआ था। अच्छा, तो उसमें कौन कौन से कोर्सेज का है रहता है? प्री कम मेंस बैच दोनों था, ऑप्शनल का भी नहीं मैं ली थी, ऑप्शनल का भी है लेकिन अभी मैंने ली थी, ऑप्शनल अभी पूरा करना है। तो उससे आपकी प्रिपरेशन अभी तक कहाँ पे है, कि कौन कौन से बुक्स आपने पढ़ ली है? मैं एनसीईआरटी भी पढ़ चुकी हूँ, और मेरे सारे जीएस के सारे सब्जेक्ट मतलब क्लियर हो गए हैं, एथिक्स अभी बाकी है बस। तो आप प्रीलिम्स के लिए सिर्फ बताएंगे कौन कौन से बुक्स आपने फॉलो किए हैं या अभी कर रही हैं? प्रीलिम्स के लिए मैं ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, और बुक में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक्सपेक्ट्रम, और फिर एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए बाकी, और जियोग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ी हूँ, और महेश बड़वाल की बुक पढ़ी हूँ, और कोचिंग क्लास भी ली हूँ। तो आपका माध्यम क्या है मैम? हिंदी माध्यम है। अच्छा, तो आपको एग्ज़ाम हिंदी माध्यम में देना है? हाँ, हिंदी माध्यम में ही देना है। तो एनसीईआरटी आपने अभी कौन कौन से सब्जेक्ट की, कौन कौन से क्लास की पढ़ी है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी में जियोग्राफी का 9, 10, 11, 12 पढ़ी हूँ, और हिस्ट्री का 11, 12 का पढ़ी हूँ, और पॉलिटी का भी पढ़ी हूँ 11 का। पॉलिटी के लिए सिर्फ 11 का एनसीईआरटी पढ़ी हूँ, और लक्ष्मीकांत पढ़ी हूँ, और कोचिंग के क्लास और उसका नोट्स बनाई हूँ, नोट्स भी पढ़ती हूँ जी। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको प्रेप लैडर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इस एप्लीकेशन के साथ जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार और बेहतरीन बना सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि आपको इंडियाज़ की नंबर 1 फैकल्टी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, और दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में आप कोर्स परचेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। यहाँ पे आपको अभी 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। वैसे भी इस एप्लीकेशन पर बहुत ही नॉर्मल सी फीस होती है, देन उसके बाद में भी 25% का ऑफ मिल रहा है, तो देरी किस बात की, आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी यूपीएससी की तैयारी को बेहतरीन बनाइए। दोस्तों, इस एप्लीकेशन पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर एनसीईआरटी समरी या फिर प्रेप समरी, मॉक टेस्ट, प्रेप टेस्ट, सारे मटेरियल्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी से जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार बनाएं। धन्यवाद। तो जैसा कि मैं देख रही हूँ आपकी, आप मैरिड हो। Yes. तो आपका ये कैसे मन बना कि इसके बाद से, जैसे कि बहुत औरतें होती है ना कि मैरिड होने के बाद से पढ़ाई वगैरह छोड़ देती, तो आपको कैसे मोटिवेशन मिली? मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं कुछ करूं अपनी लाइफ में। यूपीएससी का तो प्रिपरेशन करना शुरू से ही सपना था, बचपन से ही। तो शादी होने के बाद भी मैं अपना पढ़ाई जैसे जारी कि मैं देख रही हूँ कि आपकी, आप मैरिड हो, तो ऐसे मैरिड जैसे कि बहुत औरतें होती हैं मैरिड के बाद पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देती हैं, तो आप ऐसे कैसे, उसके बारे में ज़रा बताएंगी? शादी से पहले ही, शुरू से ही मेरा सपना था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ, तो शादी होने के बाद भी मैं पढ़ाई को मतलब जारी रखी, और ससुराल की तरफ से भी सपोर्ट है, हस्बैंड की भी तरफ से सपोर्ट है मैं कुछ करूं।
तो इस वजह से अभी तक जारी है पढ़ाई। जी, तो आपके हस्बैंड किस जॉब में या क्या करते हैं? हस्बैंड डिप्लोमा करके गुड़गांव में जॉब करते हैं। तो अभी आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अभी प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, और बीपीएससी का 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है अभी, तो प्रिपरेशन अभी ठीक चल रहा है। हाँ, तो अभी आपको दिल्ली में कैसा, यहाँ पे आके कैसा लग रहा है आपको? अभी तो अच्छा लग रहा है आके, दिल्ली में तैयारी चल रही है अभी, लेकिन अभी भी ऑनलाइन ही तैयारी चल रही है। तो यहाँ का मुखर्जी नगर में जैसे कि बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो आपने यहाँ से कोई रिसोर्सेज फॉलो किए? नहीं, अभी तक तो ये मैं खरीदी हूँ, अभी ज़्यादा कुछ नहीं। करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन खरीदी हूँ, और बीपीएससी के रिलेवेंट जो भी मैगजीन है स्पीडी का लाई हूँ, और बिहार स्पेशल के लिए भी, और बाकी मैं ऑनलाइन ही तैयारी करती हूँ। जी, तो अभी आपको यहाँ पे कहाँ रहते हो, पीजी में या क्या है? अभी तो पीजी में ही रह रही हूँ। तो पीजी में कैसा माहौल है यहाँ का? पीजी में भी पढ़ाई का ही माहौल है, सब लोग पढ़ते हैं। जैसा कि मैम देख रही हूँ कि आप मैरिड हो, तो अभी जैसे कि बहुत सारी औरतें शादी के बाद पढ़ाई वगैरह छोड़ देती, तो आपका कैसा प्लान बना कि यूपीएससी करना है? यूपीएससी करने का सपना शुरू से ही था, बचपन से ही था, तो शादी हो जाने के बाद भी मैं सोची कि मुझे अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। तो शादी हुआ, इसके बाद भी मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया पहले, और उसके बाद से घर पर ही तैयारी करती थी, और फिर मुझे लगा कि अब यहाँ पे भी आना चाहिए, घर पे नहीं तैयारी हो पाएगी, डिस्टरबेंस होती है बहुत ज़्यादा, ससुराल में भी डिस्टरबेंस होती है, तो फैमिली में रह के और तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है। तो शादी के बाद फैमिली वालों का सपोर्ट वगैरह कैसा? फैमिली वालों का सपोर्ट है, तभी तो यहाँ हूँ, तो फैमिली वालों का भी सपोर्ट है, हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट है इस वजह से। अच्छा, तो आपको ये पीजी में कहाँ रहते हो आप, यहाँ दिल्ली में? अभी तो यहाँ तो पीजी मुखर्जी नगर में रह रही हूँ, और इससे पहले गुड़गांव हस्बैंड के पास थे। अच्छा, तो यहाँ मुखर्जी नगर का माहौल आपको कैसा लगा, पीजी का क्या है? मुखर्जी नगर का माहौल तैयारी का है पूरा, जिधर देखो उधर बुक की दुकानें हैं, पूरा तैयारी हो रही, सब जिधर देखो सब स्टूडेंट, मतलब पढ़ाई से ही रिलेटेड रहता है, तो मोटिवेशन देख के मिलता है हर जगह, पूरा पीजी भरे पड़े हैं यूपीएससी की तैयारी वाले ही, तो इससे तो मोटिवेशन मिलता ही है। तो आप इस समय पीजी में वहाँ का रेंट क्या है और वहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे? यहाँ पीजी का रेंट 6,500 है, और यहाँ 3 टाइम खाना मिलता है, सुबह में ब्रेकफास्ट और दोपहर में लंच, रात को डिनर, ये सब मिलता है और अच्छा है। तो खाने की क्वालिटी का, जैसे लोग बोलते हैं कि पीजी की खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो आपको यहाँ का कैसा लगा है? यहाँ के खाने की क्वालिटी सही है, अच्छा है। अच्छा, और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आप मेन टॉपिक पाते हैं कि प्रिपरेशन, आप कौन कौन से बुक्स फॉलो कर रहे हो, मेंस की और प्रीलिम्स की तैयारी आप साथ में करते हो या कि सिंगल सिंगल? मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी शुरू में मैं मेंस कॉम्प्री बैच जो होता है तो उसको मैं ली थी, ऑनलाइन करियर विल से कंप्लीट कर चुकी हूँ, और अभी प्री पे फोकस है, प्री पे फोकस करके रिवीजन चल रहा है इस टाइम पे, 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो रिवीजन पे और टेस्ट देना है, टेस्ट सीरीज लगाना है। तो आप कहाँ से टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो? अभी तो मैं दृष्टि का टेस्ट सीरीज लाई हूँ, अभी ज्वाइन नहीं की हूँ कोचिंग में किसी में, बस खरीद के लाई हूँ ऐसे टेस्ट बुक। तो आप अपने रूटीन पढ़ने का बता सकते हो, आप कब पढ़ते हो सुबह में या कितने आवर्स पढ़ लेते हो, कोई लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन की है आपने? नहीं, लाइब्रेरी तो ज्वाइन नहीं की है, मैं यहीं रूम पे ही रह के पढ़ती हूँ और सेल्फ स्टडी पढ़ रही हूँ अभी, और बाकी सुबह में करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ, दोपहर में बाकी जो सब्जेक्ट है उनका रिवीजन करती हूँ, और शाम को भी टेस्ट पे ध्यान देती हूँ। अच्छा, हाँ, ये सब रूटीन है। तो ऐसे के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि बहुत सारे न्यू होते हैं ना, तो न्यू लोगों को नहीं आइडिया होता है कि वो ऐसे के प्रिपरेशन कैसे करें, तो आपने अपनी प्रिपरेशन हिंदी मीडियम से होके कैसे की है? अभी तो बीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो प्रीलिम्स का तो अभी ऐसे पे अभी फोकस नहीं है, अभी बहुत कम टाइम रह गया है, सिर्फ 1 महीने, 8 मई को पेपर है बीपीएससी का, तो अभी टाइम बहुत कम है ऐसे पर फोकस करने के लिए, तो बीपीएससी का एग्ज़ाम प्री वाला दे के इसके बाद से इस पे फोकस करना है, ऑप्शनल पे और ऐसे पे। तो आपका ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य है। आपसे मैं अब ये जानना चाहती हूँ ना कि आपने जो
हिंदी मीडियम की प्रिपरेशन ऑनलाइन की है, वो कैसे की है, वहाँ के जो टीचर हैं क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में, क्योंकि जैसे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं ना हिंदी मीडियम वालों को आप जानते हैं कि सोर्सेज बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए ये आप बताएंगे ज़रा कि कैसे आपने उन पर कॉन्टेक्ट किया, वहाँ से क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, मैं ये करियर व्हील से ऑनलाइन कोचिंग लेती हूँ, तो उसमें खुद के नोट्स भी बनाती हूँ और काफ़ी अच्छा पॉलिटी के लिए जैसे डीके यादव सर हैं और डीके सर हैं और रजनीश सर हैं, तो रजनीश सर भी मेंस के लिए काफ़ी अच्छा पढ़ाया है उन्होंने, उनका भी नोट्स बनाई हूँ मैं, और डीके सर प्रीलिम्स बेस्ट पढ़ाए हैं तो उनका भी मैं नोट्स बनाई हूँ, और पीटी ओरिएंटेड अलग क्लास चलती है और मेंस ओरिएंटेड अलग क्लास चलती है, तो मेंस का भी नोट्स बनाई थी और पीटी ओरिएंटेड क्लास हिस्ट्री का भी रवि मिश्रा सर पढ़ाए थे, तो काफ़ी अच्छा पढ़ाया था उन्होंने रवि मिश्रा सर, पीटी के ओरिएंटेड क्लास जो लिए थे हिस्ट्री का, और हिस्ट्री के लिए और आलोक रंजन सर जियोग्राफी के लिए पढ़ाए थे, तो और यही सब टीचर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं और पीडीएफ में भी नोट्स प्रोवाइड होता है और नोट्स मतलब पढ़ाते हैं, तो क्लास नोट्स भी मतलब खुद से भी बनाते हैं तो वो भी अच्छा रहता है जी, और करंट अफेयर्स के लिए आशीर्वाद सर पढ़ाते हैं तो मतलब अपने से नोट्स अच्छा बन जाता है, नोट्स बनाते हैं। धन्यवाद मैम आपका, और आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरे सभी फ्रेंड्स जो कि यूपी से हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि मैम से इंस्पायर होकर जो भी और गर्ल्स हो या बॉयज़ हो उनको आना है वो दिल्ली आ सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो दिल्ली आने से पहले तो हमारे इंस्टाग्राम की आईडी नीचे लिंक में दी गई है, वहाँ पर जाके हमें फॉलो कीजिएगा, और थैंक यू सो मच।